हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीनाक्षी के माता पिता की मृत्यु तभी हो गई थी जब मीनाक्षी छोटी थी। मीनाक्षी के माता पिता के बाद मीनाक्षी के चाचा चाची निर्मला और सोहन को ही मीनाक्षी को पालना पड़ा। मीनाक्षी के चाचा चाची मीनाक्षी को खुद पर बोझ समझते थे। ऐसे ही एक दिन, एक तो हमारी खुद की लड़की है, ऊपर से तुम्हारे भैया भाभी अपनी लड़की हमारे मत्थे मर गए, एक तो तुम्हारा काम धंधा भी ठीक से नहीं चलता है, ऊपर से ये और है। अरे भाग्यवान, ये कौन सा हमसे कुछ मांगती है, और ये मत भूलो इसको हमने घर में नौकर बनाया हुआ है। हाँ तो अब जब हम इसको पाल रहे हैं तो इसकी सारी जायदाद भी तो हमारी हुई ना। हाँ हाँ बस भी करो, ज्यादा जोर से मत बोलो, कहीं उसको ये सब पता चल गया तो लेने की देनी पड़ जाएगी। दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर उनकी बेटी रिया आती है और बोलती है, माँ पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। पर क्यों बेटी, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस देखी है इसीलिए। कोई जरूरत नहीं है कपड़े खरीदने की, वैसे भी तुम बहुत कपड़े लेती हो, घर में वैसे ही पैसे नहीं है, ऊपर से मेरा काम भी नहीं चल रहा, अभी जितने भी कपड़े हैं तुम्हारे पास बस उसी को पहनो। माँ पापा को बोलो ना वो मुझे पैसे देंगे, अगर आज मैंने वो नहीं खरीदी तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। हाँ हाँ मेरी बच्ची तू वो कपड़े बिल्कुल लेगी, मैं हूँ ना। अजी दे दो ना बच्ची को, तो अगर वो अपने ऐशो मौज पूरे कर रही है तो इसमें बुराई ही क्या है, अगर वो अभी अपने सपने पूरे नहीं करेगी तो कब करेगी। तुमने तो इसको अपने सर पर ही चढ़ा रखा है। सभी आपस में बात ही कर रहे थे तभी वहाँ पर मीनाक्षी आती है और अपनी चाची से बोलती है, चाची जी मेरे कपड़े फट गए हैं, अगर आप मुझे कोई सूट लाकर दे देंगी तो उस सूट को मैं खुद ही सिल लूंगी। क्यों, बाजार में तेरे मरे हुए बाप ने सूट रखा है क्या, जो मैं वहाँ से सूट लेकर आऊँ और तुझे दे दूँ, या पैसे पेड़ पर उग रहे हैं? नहीं चाची जी, वो बस मैं। क्या मैं? वो चाची जी आप रिया को पैसे दे रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी फरमाइश छोड़ दूँ, है ना। सुन तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे माँ बाप से पैसे ले या फिर कुछ मांगे, अगर तुझे कपड़े पहनने हैं तो मेरी अलमारी से ले जाके, बहुत सारे पड़े हैं मेरे पास। बेचारी मीनाक्षी कुछ नहीं बोलती और अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। तो वहीं सोहन अपनी पत्नी और बेटी से बोलता है, रिया निर्मला ये सही नहीं किया तुमने बेचारी के साथ, वो तो बस एक सूट का कपड़ा ही तो मांगने आई थी। तुम्हें बड़ा उसकी चिंता है, यहाँ बेटी आपसे पैसे मांग रही है लेकिन आपकी जेब से पैसे नहीं निकल रहे हैं, और अपनी भतीजी के लिए बड़ी हमदर्दी है। क्योंकि निर्मला मैंने देखा उसे कपड़े फटे हैं और अब वो जवान हो रखी है, जवान लड़की का शरीर दिखे अच्छी बात थोड़ी ना होती है, बेशक से वो अनाथ है लेकिन रहती तो हमारे साथ ही है, अगर किसी ने उसको इस फटे कपड़ों के साथ देख लिया तो क्या सोचेंगे वो। हाँ, रिया बेटा जा उसको कुछ अपने पुराने कपड़े दे दे। जी माँ। इस तरह रिया भी वहाँ से चली जाती है और मीनाक्षी को कपड़े दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, सोहन जी दोनों लड़कियाँ शादी लायक हो गई हैं, मैं चाहती हूँ कि दोनों की शादी करवा देते हैं, अपनी बेटी के लिए अच्छा सा घर देखना और मीनाक्षी के लिए जो मर्जी देख लेना, पर हाँ अपनी बेटी के लिए कहीं अच्छे घर में ही रिश्ता जोड़ना। ठीक है, मैं आज ही पंडित जी के पास जाऊँगा और उनको कहूँगा कि मेरी दोनों बेटियों के लिए लड़के दिखाए, वैसे भी पंडित जी के पास अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आते रहते हैं। इतना बोलकर अब सोहन वहाँ से चला जाता है और पंडित जी के पास जाकर उनसे बोलता है, पंडित जी मेरी दो बेटियाँ हैं इसलिए आप जल्द ही किसी अच्छे घर का रिश्ता बताइए, मेरी दोनों बेटियाँ अच्छे घर में शादी करके चली जाए यही मेरी प्रार्थना है। यजमान मेरे नजरों में दो लड़के हैं लेकिन उनमें से एक शादीशुदा है, धन दौलत तो भरपूर है लेकिन उसका एक बेटा भी है, उसकी पत्नी तो पहले ही मर चुकी है, इसलिए ना उसको अपने बच्चे के लिए एक माँ की जरूरत है, दूसरा जो है वो शहर से बाहर रहता है, आप कहे तो बात करूँ। ये सुनने के बाद सोहन को अपनी पत्नी की बात याद आ जाती है और वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। ऐसे ही अब जब वो घर जाता है तो अपनी पत्नी को दोनों लड़कों के बारे में बताता है। ये सुनने के बाद निर्मला बोलती है, अरे वाह हम अपनी लड़की की शादी शहर से जो बाहर रहता है ना उससे करेंगे, और इस मनुज जो हम पर बोझ बनी पड़ी है उसकी शादी इस आदमी से कर देंगे। निर्मला अब शादी के लिए राजी हो जाती है और अब कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है और दोनों ही अपने अपने ससुराल जाती हैं, जहां एक तरफ रिया शादी के बाद अपने पति के साथ शहर छोड़कर चली जाती है। तो वहीं जब मीनाक्षी को ये पता चलता है कि उसकी शादी एक बच्चे के बाप से हुई है तो मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहां पर उसका पति रोशन आ जाता है
जहाँ वो मीनाक्षी को रोता हुआ देख बोलता है, मीनाक्षी मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन यकीन मानो मैंने ये शादी सिर्फ अपने बच्चे के लिए की है। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा बिना माँ के अपने चाचा चाची के हाथ पले। ये सुनकर मीनाक्षी को अपने साथ हुए बर्ताव की याद आती है कि किस तरह से उसकी चाची ने उसको पाला। ये सोचकर मीनाक्षी अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और अपने पति रोशन से बोलती है, रोशन जी आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपके बच्चे को कभी उनकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। जो राजनीति मेरे घर वालों ने मेरे साथ खेली है वही सेम चीज मैं यहाँ नहीं होने दूंगी। मैंने भले ही राजू को अपनी कोख से नहीं जन्मा, लेकिन मैं एक यशोदा माता बनकर दिखाऊंगी। मीनाक्षी की बात सुनकर अब रोशन को भी तसल्ली हो जाती है कि उसने किसी गलत लड़की से शादी ना कर बल्कि एक ऐसी लड़की से शादी की है जो उसके परिवार को संभाल सकेगी। शादी के बाद मीनाक्षी अपने परिवार को काफी अच्छे से संभाल लेती है। बड़ी बहू होने के नाते सभी घर वाले मीनाक्षी की ही सुनते थे। ये देख मीनाक्षी की देवरानी रज्जो अब मीनाक्षी से चिढ़ने लगी और एक दिन अपनी सास से अपनी जेठानी की चुगली करते हुए बोली, मम्मी जी आपने नोटिस किया है, जब से दीदी शादी करके इस घर में आई है तब से राजू ना तो हमारे पास आता है और ना ही जेठ जी अब हमसे बोलते हैं। तीनों अपने अपने में ही लगे रहते हैं। बहू क्या हो गया, अब वो उनका परिवार है वो जाने, तू अपने परिवार से मतलब रखना बेटा। मम्मी जी आप सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर रही है। कोई बात नहीं, अपनी नई बहू के प्यार में आप अंधी हो सकती है लेकिन मैं नहीं। बहू ऐसा नहीं है, कैसे बात कर रही है तू। हाँ रज्जो कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। अब रज्जो आए दिन कुछ न कुछ ऐसा करती जिससे मीनाक्षी लोगों की नजरों में गलत साबित हो जाए, लेकिन उसका पासा उल्टा पड़ जाता और उल्टा उसे ही डांट पड़ जाती। रज्जो की मीनाक्षी को लेकर चिढ़ अब नफरत में बदल गई थी और एक दिन, अब देखती हूँ कैसे मेरी नई जेठानी मेरी जगह लेती है, वो यहाँ से टपकेगी और मेरा राजपाट दोबारा मेरे काबू में आ जाएगा। इतना बोलकर अब रज्जो हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है और तभी वहाँ से उसकी सास सीढ़ियों से जैसे ही नीचे उतरती है वैसे ही उसकी सास का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है वैसे ही अब सभी लोग घर में इकट्ठा हो जाते हैं। अपनी सास को इस तरह गिरा हुआ देख रज्जो मन में बोलती है, हाय रज्जो ये क्या हो गया, गड्ढा खोदा किसके लिए था और गड्ढे में गिर कौन गया, हे भगवान बचा लो मुझे। इस तरह सभी लोग मीनाक्षी की सास को उसके कमरे में ले जाते हैं तो वहीं रज्जो आपस में बड़बड़ा रही थी। ये देख रोशन घर में सभी के ऊपर भड़कता हुआ बोलता है, आखिर सीढ़ियों पे ऑयल कैसे आया। रोशन की बातों का जवाब कोई भी नहीं देता और अपने सवाल का जवाब ना मिलने पर रोशन बोलता है, मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं ना घर के सीसीटीवी कैमरा चेक करवाऊंगा और अगर उसमें मुझे ना कोई सीढ़ियों पे ना तेल गिराता हुआ दिख गया तो आई प्रॉमिस मैं उसको इस घर से ना बेदखल कर दूंगा, इसलिए अभी भी मौका है सच बता दो। ठीक है मत बताओ। इस तरह से अब रोशन जैसे ही कैमरे के पास जाता है वैसे ही रज्जो सारा सच अपने आप उगल देती है। ये सच जानने के बाद मीनाक्षी को और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी देवरानी को अपने मायके में हुए बर्ताव के बारे में सब कुछ बताते हुए बोलती है, रज्जो मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ है वही मेरे बच्चों के साथ हो, लेकिन शायद तुमने मुझे गलत समझ लिया। रज्जो मैं इस घर में कोई राजनीति नहीं चाहती, बाकी तुम्हारी मर्जी। इस तरह से अब मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है तो वहीं रज्जो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब कभी वो ऐसा काम दोबारा नहीं करती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।